सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मासम में। साथियों, आज इस वीडियो में हम 1 सितंबर से भरी हुई शिक्षक डायरी देखेंगे। ये शिक्षक डायरी शून्य सप्ताह की कार्य योजना से भरी हुई होगी। यहाँ पर आपको शून्य सप्ताह का रजिस्टर नहीं बनाना है। जब अप्रैल में विद्यालय खुले थे तब हमने शून्य सप्ताह का रजिस्टर बनाया था, क्योंकि उस टाइम पर हम शिक्षक डायरी नहीं भर रहे थे। अब हम सारी चीज़ें शिक्षक डायरी में लिख रहे हैं, तो अब हमें 1 सितंबर से ई पाठशाला रजिस्टर या शून्य सप्ताह का रजिस्टर नहीं बनाना है। हम सारी चीज़ों को शिक्षक डायरी में मेंटेन करेंगे और ये देखेंगे हम कि शून्य सप्ताह की कार्य योजना से हमें शिक्षक डायरी कैसे भरनी है, शिक्षक डायरी में कौन कौन सी गतिविधियाँ लिखनी हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे लर्निंग आउटकम वाले सेक्शन में, बच्चों को सहज करने के लिए कहानी, कविता और अन्य गतिविधियाँ, यानी कि हमें बच्चों को कंफर्टेबल फील कराना है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बच्चों को सहज करने के लिए निम्न कार्य करेंगे। पहला कार्य करेंगे आप सामान्य परिचय, बच्चों से सामान्य परिचय जिसमें बच्चों का नाम, पिता का नाम, आज विद्यालय आने पर कैसा लग रहा है आदि प्रश्नों के साथ। कहानी, पूरे हाव भाव के साथ दर्जी और हाथी की कहानी सुनाएंगे और कुछ प्रश्न भी पूछेंगे, जैसे गांव में कौन कौन रहता था, दर्जी ने हाथी के साथ क्या किया। कविता, बारिश का मौसम कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे और अपने पीछे दोहराने को कहेंगे। गतिविधि कराएंगे आप, क्या क्या होता लाल, इस गतिविधि को आप कराएंगे। अब ये देखिए, परिवार चार्ट पर बातचीत करेंगे, आपको यह चार्ट देखकर क्या लग रहा है, चार्ट में कौन कौन है, इस तरीके से आप पहले दिन की कार्य योजना डायरी में लिखेंगे। ये देखो, ये क्लास 1 और 2 के लिए है और सभी क्लास के लिए शिक्षक डायरी आप इसी तरीके से भर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके से भरने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, तो इसको आप अपनी क्लास में पढ़ाने के बाद लिखेंगे। जो भी आपको दिक्कतें आएंगी क्लास में बच्चों को पढ़ाने में, उनके समाधान के लिए अगले दिन आप क्या करेंगे, उन चीज़ों को आप यहाँ पर लिखेंगे। मैंने ये ब्लैंक छोड़ रखा है, आप अपनी क्लास में पढ़ाने के बाद इसको लिख लेंगे। अब ये देखिए, 2 सितंबर को भी आप यही लिखेंगे, बच्चों को सहज करने के लिए कहानी, कविता व अन्य गतिविधियाँ। और यहाँ पर देखिए, चित्र चार्ट पर बातचीत, तो यहाँ पर आपको सड़क चार्ट पर बच्चों से चर्चा की जाएगी कि आपको यह चार्ट किसका लग रहा है, इस चार्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है आदि। कहानी, शेरू की कहानी, बच्चों को सहज पुस्तक से कहानी वाला पेज दिखाते हुए बच्चों से शेरू कहानी निकालने को कहेंगे। बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ कहानी सुनाएंगे और प्रश्न भी पूछेंगे। आपको गतिविधि करानी है ओला ओला बम का गोला, ये गतिविधि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी इसकी वीडियो, और मैं आपको एक PDF दूंगा, उस PDF में मैंने सारी गतिविधि और आपको किस तरीके से पढ़ाना है, शिक्षक डायरी आपको कैसे भरनी है, इन सब के जवाब उस PDF में आपको मिल जाएंगे। तो वो PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेंगे और शिक्षक डायरी की PDF भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेंगे। अब ये देखिए, 1 और 2 के लिए 3 सितंबर को आपको क्या करना है, कहानी, गतिविधि व अन्य गतिविधियाँ। अब यहाँ पर देखिए, कहानी है चूहा और रेडियो, तो ये कहानी आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से लेनी है। आप कोई भी कहानी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर चूहा और रेडियो कहानी ली है। कहानी के आधार पर आपको प्रश्न भी पूछने हैं, रेडियो में कौन घुस गया था, रेडियो क्यों नहीं बज रहा था, आप इस तरीके से प्रश्न करेंगे। दूसरा टॉपिक है लेबलिंग पर कार्य, बच्चों से कक्षा में दिख रही चीज़ों के नाम बोलने को कहेंगे, डस्टर आदि। अब इन चीज़ों पर कागज़ पर लिखकर लेबल लगा देंगे और बच्चों से अभ्यास कराएंगे। कविता आप लिखेंगे, बच्चों को 2 आलू कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे और बच्चों से इसे दोहराने को कहेंगे। तो आप इस तरीके से 3 सितंबर की कार्य योजना में डायरी भर लेंगे। और ये देखिए, क्रियान्वयन वाला मैंने यहाँ पर भी खाली छोड़ रखा है, क्योंकि ये आपको अपनी क्लास में पढ़ाने के बाद आपको भरना होगा, जो भी दिक्कत आएंगी आप उसके लिए। अब ये देखिए, 4 सितंबर को आप क्या लिखेंगे, बच्चों को सहज करने के लिए कहानी, गतिविधि व अन्य सामग्री। कहानी है, बच्चों को रीता की गुड़िया कहानी पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे और प्रश्न भी पूछेंगे। चित्र देखकर बताओ कि आपको क्या लग रहा है, कहानी में कौन कौन दिख रहा है, नीचे कौन गिर गया था,
चूहे ने रीता को जगाने के लिए क्या किया? आप इस तरीके से लिखेंगे। मोटर स्किल कौशल में आप क्या लिखेंगे? बोर्ड पर त्रिभुज का चित्र बनाएंगे और बच्चों से अपनी कॉपी में बनाने को कहेंगे और इसमें रंग भरने को कहेंगे। कविता, कल सुनी हुई कविता को बच्चों से सुनेंगे और बच्चों से प्रश्न भी पूछेंगे। तो साथियों, आपको शिक्षक डायरी इसी तरीके से भरनी है। 1 सितंबर से शिक्षक डायरी इसी तरीके से भरी जाएगी। आप लिखना चाहें तो ई पाठशाला कंटेंट के नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि ई पाठशाला कंटेंट भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने हैं। मैंने नहीं लिखे हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब ये देखिए, 3, 4 और 5 के लिए आप इस तरीके से लिखेंगे। बच्चों को सहज करने के लिए कहानी, कविता व गतिविधि। अब यहाँ पर देखिए, सामान्य परिचय, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप प्रश्नों को बदल सकते हैं। 3, 4, 5 के लिए बच्चों से सामान्य परिचय, जिसमें बच्चों का नाम, पिता का नाम, परिवार में कौन कौन है और उनके पसंदीदा फल, खेल आदि। तो यहाँ पर हमने 1-2 में कम प्रश्न दिए थे और 3, 4, 5 में हमने थोड़े से प्रश्न बढ़ा दिए हैं। अब ये देखिए, गतिविधि, क्या क्या होता, हरा के साथ आसपास दिख रही चीज़ों से परिचय कराएंगे। कहानी, दर्जी और हाथी की कहानी, और कहानी के आधार पर आप प्रश्न भी पूछेंगे। तो आप इस तरीके से 3, 4, 5 के लिए 1 सितंबर की डायरी लिखेंगे। अब ये देखिए, 2 सितंबर की डायरी है। यहाँ पर मोटर स्किल गतिविधि, समूह बनाना। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे और अब बच्चों को गेहूँ, चना, चावल आदि के मिले हुए दाने देंगे और हर समूह से उन्हें अलग अलग करने को कहेंगे। गतिविधि आप कराएंगे ओला ओला बम का गोला। गतिविधि के साथ बच्चों को 5 फल और उनके रंगों के नाम याद कराएंगे। चित्र चार्ट पर बातचीत करेंगे, तो सड़क चार्ट पर बच्चों से बातचीत की जाएगी। यह चित्र आपको किसका लग रहा है, क्या आपने सड़क तरीके से। कविता, बारिश का मौसम। कविता बच्चों से सुनेंगे और प्रश्न भी पूछेंगे, आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है। अब ये देखिए, 3 सितंबर की डायरी है। बच्चों को सहज करने के लिए कहानी, कविता और अन्य गतिविधियाँ। परिचय, बच्चों को जोड़ों में बिठा देंगे और बच्चों से एक दूसरे से इस विषय पर बात करने को कहेंगे कि उन्हें स्कूल में क्या क्या बदलाव देखने को मिले। और फिर आप ये करेंगे कि किन्हीं भी 2 बच्चों को या 4 बच्चों को खड़ा करके अपनी बात बच्चों के सामने रखने को कहेंगे। लेवलिंग पर कार्य, बच्चों को कक्षा में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनके नाम बोलने को कहेंगे। आप इस तरीके से लेवलिंग पर कार्य करेंगे। मोटर स्किल कौशल में आप क्या करेंगे? बच्चों को समूह में बांट देंगे और उन्हें अलग अलग फूलों की पंखुड़ियाँ देकर उन्हें रंग के आधार पर अलग अलग करके समूह बनाने को कहेंगे। कहानी, चूहा और रेडियो कहानी आप बच्चों को सुनाएंगे और इसके आधार पर बच्चों से कुछ प्रश्न भी पूछ लेंगे। आप इस तरीके से 3 सितंबर की डायरी भरेंगे। और 4 सितंबर की डायरी हम आगे देखेंगे कि 4 सितंबर की डायरी में आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है। इस डायरी का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और लिख लेंगे। किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है या कंटेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान किया जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार सारी सामग्री मिलेगी, चाहे वो डायरी के PDF हों, रजिस्टर के PDF हों या और भी अन्य आवश्यक कार्य जो आपको करने हैं, दीक्षा के प्रशिक्षण हों, वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अब ये देखिए, यहाँ पर 4 सितंबर को आपको क्या लिखना है? अनुभव पर चर्चा। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे और उनसे उनके पसंदीदा त्यौहार पर चर्चा करने को कहेंगे। तो आप इस तरीके से अपनी डायरी भर सकते हैं 4 सितंबर की। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।